गाइस जो मैंने कहा वो कर दिखाया लाइव, इधर प्रूफ देख पा रहे होंगे इस शॉट को गाइस आपके आंख के सामने। गाइस यहां पे 9:49 पर पब्लिश किया था और अभी लाइव प्रूफ देख पा रहे होंगे गाइस 10:34-35 हो चुकी है, यानी कि गाइस इस शॉट को अपलोड किए मुझे 45-46 लगभग मिनट हो चुकी है और लाइव प्रूफ देख पा रहे होंगे 4000 व्यूज जो क्रॉस कर चुकी है आपके आंख के सामने। गाइस मैंने इसे अपलोड भी किया हूं गाइस और इसे यहां पे वायरल भी किया हूं लाइव आपके आंख के सामने, प्रूफ देख पा रहे होंगे। पहला शॉर्ट अपलोड किया तो वायरल नहीं हुआ था, लेकिन गाइस मैंने दूसरा फिर से शॉर्ट्स अपलोड किया आपके आंख के सामने, देन उसके बाद लाइव प्रूफ देख पा रहे होंगे आपके सामने ये वायरल हो चुकी है। जितना-जितना हम रिफ्रेश मार रहे हैं उतना हमारा जो व्यूज है वो बढ़ते जा रहे हैं, लाइव प्रूफ देख पा रहे होंगे। तो गाइस हाउ कैन दिस पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे हुआ है और ये एकदम यूनिक मेथड से शॉर्ट्स को मैंने वायरल किया है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। और मैंने कल इंस्टाग्राम के स्टोरी पे भी लगा के बोला था कि इस ट्रिक से वायरल कर सकते हो और गाइस सेम वही ट्रिक मैंने लगाया है, देन उसके बाद वायरल हो गया। तो गाइस हाउ कैन दिस पॉसिबल, वायरल कैसे हुआ है अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक देखिए, आपको पूरा का पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा कि कैसे आखिर शॉर्ट जो है वायरल हुई गई। सबसे पहले लाइव प्रूफ देख लीजिए गाइस, इस चैनल पर मैंने एक शॉर्ट को अपलोड किया था गाइस 20-30 मिनट पहले, वायरल नहीं हुआ, लाइव देख पा रहे होंगे यहां पे सिर्फ और सिर्फ 4 व्यूज आकर रुक गया, मतलब यानी कि मैंने बूस्ट दिया है फिर भी ये वीडियो वायरल नहीं हुआ, ये शॉर्ट्स वायरल नहीं हुआ। और गाइस अभी जस्ट नाउ आपके आंख के सामने एक शॉर्ट को फिर अपलोड कर रहा हूं, देन उसके बाद सेम चैनल पर उसे वायरल करके दिखाता हूं लाइव आपके आंख के सामने, लाइव प्रूफ देख पा रहे होंगे। टाइमिंग वगैरह सब चीज आपके हाथ में रहेगा, लाइव देख पा रहे होंगे। टाइमिंग को हम दिखा देते हैं 9:31 थर्सडे 31 अगस्त हो रही है आज, ठीक है, लास्ट अगस्त को ये वीडियो अपलोड हो रही है, बन रही है और आपके आंख के सामने सारा चीज प्रोसेस दिख रही होगी, ठीक है। अब गाइस यहां पे आपके आंख के सामने मैं एक शॉर्ट्स को अपलोड कर रहा हूं गाइस और आपके आंख के सामने सारा प्रोसेस होगी, देन उसके बाद उसे वायरल भी करूंगा, ठीक है। उसके लिए गाइस प्लस आइकन पे हम सिंपल से क्लिक कर देते हैं, प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद अपलोड वीडियो पे क्लिक कर लेते हैं, अपलोड वीडियो पे क्लिक करने के बाद देन उसके बाद हम इस शॉर्ट्स को उठा लेते हैं, ठीक है, ये शॉर्ट्स को उठा लेते हैं। और ये शॉर्ट्स कोई आसान शॉर्ट्स नहीं है, मतलब यानी कि कोई टेम्पररी शॉर्ट्स नहीं है, ये बहुत ही गाइस ये जो म्यूजिक है इस शॉर्ट्स में जो म्यूजिक ऐड है गाइस वो म्यूजिक ऑलरेडी ट्रेंडिंग चल रही है पूरा इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में गाइस नंबर 1 पे ट्रेंडिंग में ये शॉर्ट्स चल रही है, ये म्यूजिक चल रही है। और मैंने इंस्टाग्राम पे भी आप लोग को बताया है कि इस म्यूजिक का यूज करके गाइस यहां पे अपलोड कीजिए, देन उसका चांसेस ज्यादा हो जाएगा वायरल होने का, ठीक है। तो गाइस मैं इसी म्यूजिक को यहां पे लेकर और अपलोड कर रहा हूं क्योंकि गाइस मैं खुद एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तब जाके मैं आपको बता रहा हूं। तो गाइस आपके आंख के सामने अपलोड हो रही है, वायरल होगी कि नहीं होगी आप लाइव देख पा रहे होंगे, तो सारा प्रोसेस आपके आंख के सामने रहेगा, ठीक है। तो गाइस अगर यहां पे आपको सारा प्रोसेस बताते जा रहे हैं कि आपको करना क्या क्या चीज है, सिंपल सा नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे गाइस। हमको पता है कि आप लोग को गाइस अपलोड अच्छी तरह से करने आता है, इसलिए मैं अपलोड करने नहीं सिखा रहा हूं, स्पीड करके दिखा रहा हूं कि आपको करना क्या क्या चीज है, कैसे यहां पे वायरल होती है, ठीक है। अब गाइस यहां पे हैशटैग कहां कहां से लेना है वो भी चीज बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। अगर यहां पे मेन हैशटैग नहीं अच्छा से लगाइएगा तो आपका कभी भी शॉर्ट्स वायरल नहीं होगा, सिर्फ म्यूजिक से वायरल नहीं होता है, हैशटैग भी लगाना पड़ता है। अब गाइस ये चीज हो गया, ठीक है। अब आपके वीडियो में कोई भी वीडियो उठा लो, ठीक है, जो मन करता है वो वीडियो उठा लो, कोई भी डिपेंड नहीं करता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जो वीडियो उठाना है उठा लो, सिर्फ हैशटैग डालो और म्यूजिक डालो, वायरल हो जाएगी, ठीक है। अब गाइस यहां पे आने के बाद मेन काम शुरू हो जाती है आपका, आपको करना क्या चीज है हर स्टेप को ध्यान से देखिएगा। अगर यहां पे एक स्टेप भी आपका मिस हो गया तो आपका शॉर्ट्स वायरल नहीं होगा, चाहे आप ट्रेंडिंग म्यूजिक का यूज कर लो या कुछ भी कर लो, ठीक है। आप करना क्या है, चीजों को समझना है, उसके लिए गाइस आपको साउंड पे क्लिक करना है, ठीक है। हम सिंपल सा साउंड पे क्लिक कर लेते हैं गाइस। अगर आपके वीडियो में साउंड यूज हुआ है तो आपको इसका यूज नहीं करना है, अगर आपका वीडियो में साउंड यूज नहीं है तो आप लोग को डेफिनेटली आपको साउंड का यूज करना है, ठीक है। आप चीजों को समझना है हर स्टेप वाइज स्टेप, देन उसके बाद आपका कोई भी वीडियो क्यों ना हो, ठीक है, चाहे आप कोई भी काम करो, डांस करो या कुछ भी करो, डजंट मैटर, आपको सिर्फ और सिर्फ हैशटैग और म्यूजिक पे कमांड करना है, क्योंकि गाइस आपका वीडियो वायरल नहीं हो रही है, आपका यहाँ पे म्यूजिक और हैशटैग वायरल हो रही है, ठीक है। चीजों को समझना है शॉर्ट्स आखिर काम कैसे करती है, आपका वीडियो हो या नहीं हो डजंट मैटर, आपका म्यूजिक से लोग उस वीडियो को देखेंगे, म्यूजिक इतना खतरनाक लगा ही रहे हैं, ठीक है। उसके लिए करना क्या है, सिंपल सा सर्च इंजन पे क्लिक कर देना है, देन उसके बाद, ठीक है, देन उसके बाद लिखना है चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, ठीक है, गदर 2 आ गया गाइस, ठीक है। इस पे हम सिंपल सा क्लिक कर लेते हैं, ये जो म्यूजिक है पूरा इंडिया में आपको ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चल रही है, ठीक है। और इस म्यूजिक के साथ जो भी वीडियो बनाया जा रहा है वो बहुत ही धड़ल्ले तरीके से वायरल हो रही है, आपको आपके सामने सारा प्रोसेस मैं करके दिखाता हूं किस तरह से वायरल हो रही है, और बहुत सारे वीडियो जो है वायरल हुआ है और आपके आंख के सामने दिखाता हूं, लाइव वायरल ही करके दिखाता हूं, वो तो आप देख ही लोगे, ठीक है। उसके लिए
केस आपको सिंपल सा क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है, देन उसके बाद सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है, देन उसके बाद क्या करना है, सिंपल सा कॉपी कर लेना है। ठीक है, मैं पूरा क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, पूरा टाइटल को यहाँ से कॉपी कर लेना है, जो मेन सॉन्ग है उसका टाइटल को कॉपी करना है। और करना क्या चीज़ है, चीज़ों को समझना है। पीछे आते हैं गाइस हम, ठीक है, देन उसके बाद अब यहाँ पे आप फिल्टर वगैरह चेंज कर सकते हैं। मैं आपको अपलोड करने के लिए नहीं सिखा रहा हूँ, सबसे यूनिक तरीका बता रहा हूँ जो आपको करना बहुत ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट पे सिंपल से क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब गाइस यहाँ पे आप अपना थंबनेल को भी चेंज कर पाएंगे। जो भी आपका थंबनेल अट्रैक्टिव है वो चीज़ आप लगा सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो भी आपको लगता है कि हाँ मुझे ये अट्रैक्टिव है वो चीज़ को आप लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं लगता है तो आप नहीं भी लगा सकते। तो मुझे ये थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है तो मैं इसे क्या करता हूँ, सेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, सेट करने के बाद अब आगे नेक्स्ट करना क्या क्या चीज़ है, हर स्टेप को ध्यान से समझिएगा तब जाके समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे थंबनेल भी ऑलरेडी चेंज कर दिया हूँ गाइस। अब आपको करना क्या है, सिंपल सा गाइस जो कॉपी को टाइटल किए हैं गाइस उसको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा गाइस पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब गाइस यहाँ पे करना क्या है, चीज़ों को समझना है। ठीक है, डायरेक्ट अगर आप अपलोड कर दोगे तो वायरल नहीं होगा। ठीक है, चीज़ों को समझना है, थोड़ा बहुत दिमाग भी आपको लगाना है। हम इसे क्या कहते हैं कि इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ये जो आपको विशाल वगैरह सब चीज़ दिख रहा है इसको सिंपल से इरेज कर लेते हैं गाइस। इरेज करने के बाद अब गाइस यहाँ पे ट्रेंडिंग लगा देना है आपको। ठीक है, ट्रेंडिंग लगाने के बाद अब गाइस यहाँ पे क्या करना है, सिंपल से एक और हैशटैग लगा देना है, वो है शॉर्ट्स। ठीक है, दिमाग लगाना पड़ता है शॉर्ट्स को वायरल करने के लिए, बहुत ही ईजी है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए, देन उसके बाद कोई भी आप अपना शॉर्ट्स को बहुत ईजिली से वायरल कर पाएंगे। और एक बार जहाँ सीख गए आप ये चीज़ को दिमाग लगाने, तो आप दुनिया के कोई भी शॉर्ट्स को बहुत ईजिली से वायरल कर पाओगे, बस थोड़ा सा आपको समझना है। ठीक है, और समझने के लिए आपको थोड़ा सा वीडियो को अंत तक देखना पड़ता है, जो आप लोग नहीं देखते हैं। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे करते क्या है, सिंपल सा ऑडियंस को यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहे हैं हम। ठीक है, नो इट नॉट मेड फॉर किड्स पे हम कर दिए, देन उसके बाद आप लाइव प्रूफ देख पा रहे हो गाइस, आप कमेंट को अलाउ वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, जो आपको मन है वो कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे गाइस छोड़ दे रहा हूँ ऐसी थी कि कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस मैं यहाँ पे सिंपल से पीछे आ जाता हूँ, देन उसके बाद 9:42 हो रही है, लाइव प्रूफ देख पा रहे होंगे। और गाइस मैं इस वीडियो को यहाँ पे शॉर्ट्स को अपलोड कर रहा हूँ, अभी पब्लिक नहीं किए हैं, लाइव देख पा रहे होंगे, अभी मैंने पब्लिक नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ इसे अपलोड कर रहा हूँ। देन उसके बाद YT स्टूडियो में जाके मुझे और इसके बारे में और चीज़ करना है, सारा चीज़ हैशटैग वगैरह सब चीज़ लगाना है, अभी मैंने लगाया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टाइटल दिया है। अब गाइस करने के बाद देन उसके बाद हम क्या कहते हैं, अपलोड शॉर्ट्स पे सिंपल से क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अपलोड शॉर्ट्स पे क्लिक हो गया, अब मेरा जो शॉर्ट्स है अपलोड हो रही है। देन उसके बाद मैं आपको पूरा का पूरा YT स्टूडियो में सारा प्रोसेस दिखाता हूं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझ में आ जाएगा। क्लियर, फाइनली मेरा जो शॉर्ट्स है अपलोड हो चुकी है, लाइव प्रूफ देख पा रहे गाइस। अब इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल सा एडिटिंग करते हैं। ठीक है, एडिटिंग में क्या क्या करना है, चीजों को समझना है, और मेन काम यहीं पे होता है। आप लोग तो अपलोड करने सीख गए हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, और मुझे आपको सिखाना भी नहीं है अपलोड करने, क्योंकि मैं ऑलरेडी बना चुका हूं वीडियो। ठीक है, मुझे थोड़ा अलग अलग यूनिक ट्रिक बताना है कि ताकि आपका कोई ना कोई ट्रिक लगा के आपका शॉर्ट्स वायरल हो जाए, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अब करना क्या है, सिंपल से गाइस इस पूरा टाइटल को कॉपी कर लेना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, देन उसके बाद कॉपी करना है, देन उसके बाद मुझे सेम टू सेम डिस्क्रिप्शन में डाल देना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डालने के बाद अब यहां पे करना क्या है, मेन काम है, मेन काम क्या है भाई, यहां पे लाइव देख पा रहे होंगे। ठीक है, गद्दर लिखना है, क्या लिखना है, गद्दर 2। ठीक है, अब गाइस यहां पे करते हैं सिंपल सा, नीचे आ जाते हैं। ठीक है, अब गाइस यहां पे क्या करना है, हैशटैग फिल लगाते हैं, देन उसके बाद हम तेरे इश्क, ठीक है, तेरे लिखते हैं इश्क। ठीक है, चीज़ों को समझना है, चीज़ों को आप समझ आएंगे तो बहुत इजीली से आपका कोई भी शॉर्ट्स वायरल हो जाएगा। ठीक है, तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। ठीक है, तेरे इश्क ऐसे भी लिखोगे तो आप ट्रेंडिंग में चल जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद अब गाइस यहां पे क्या करना है, सिंपल सा, ठीक है, पड़ जाते हैं, क्या लिखना है, पड़ जाते हैं। ठीक है, पड़ जाते हैं, चीज़ों को समझना है। ठीक है, इस तरह से आप लगाओगे तो जल्दी आपका शॉर्ट जो है वायरल होगी। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे YT शॉर्ट्स लिख देते हैं हम। ठीक है, देन उसके बाद गाइस फिर से हम यहाँ पे लिखते हैं शॉर्ट। ठीक है, ये शॉर्ट है, शॉर्ट्स नहीं, शॉर्ट्स ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लगा रखा है, लाइव देख पा रहे होंगे, मैंने शॉर्ट लगाया है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे नीचे आना है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा, ठीक है, इतना हो गया, अब यहाँ पे लिखना है शॉर्ट्स, ठीक है, वायरल टिप्स, इतना हो गया। ठीक है, ये भी चीज़ लगाना बहुत ज़रूरी है। अब गाइस यहाँ पे लिखना क्या है, ट्रेंडिंग म्यूजिक, ठीक है, ट्रेंडिंग
म्यूजिक या फिर सॉन्ग लगा सकते हैं, ट्रेंडिंग शॉर्ट्स या फिर ट्रेंडिंग वीडियो या ट्रेंडिंग स्टेटस, ट्रेंडिंग शॉर्ट्स मैंने लगा दिया है, ठीक है। आप गाइस इतना लगाने के बाद आप गाइस यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा आपको पीछे आ जाना है, ठीक है। पीछे आने के बाद देन उसके बाद गाइस आपका सारा प्रोसेस क्लियर दिख रहा होगा। आप गाइस टैग पर हम क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। टैग पर क्लिक करने के बाद देन उसके बाद गाइस बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि भाई म्यूजिक स्टेटस टाइप का किस कैटेगरी में रखे, ठीक है। तो मैं गाइस यहाँ पे पीपल एंड ब्लॉग्स में रख के इसको अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं क्योंकि म्यूजिक वगैरह सब इसमें आ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पीपल एंड ब्लॉग जो रखते हैं तो गाइस कोई भी रिकॉर्डिंग करके डालते हो तो पीपल एंड ब्लॉग में रख लेना, ठीक है। मैं इसको गाइस यहाँ पे एजुकेशनल, इंटरटेनमेंट, फिल्म, एनिमेशन वगैरह सारा चीज है, ठीक है। तो मैं गाइस यहाँ पे म्यूजिक में रख देता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं क्योंकि ऑलरेडी म्यूजिक ही है, ठीक है। तो इसलिए मैं म्यूजिक में रख देता हूँ, ठीक है। म्यूजिक में रखने के बाद देन उसके बाद गाइस यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा सिलेक्ट किया हुआ है जो भी आप यहाँ पे क्या कहते हैं उसको टाइटल को सिलेक्ट किए हैं उसको गाइस यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करना है सिंपल सा, ठीक है। और गाइस यहाँ पे पेस्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा मैंने पेस्ट कर दिया हूँ गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया मेरा सिंपल सा। अब इसको मैं क्या करता हूँ, सेट कर देता हूँ, ठीक है। सेट हो नहीं रहा है, ठीक है, थोड़ा सा सेट हो चुकी है ऑलरेडी। अब गाइस यहाँ पे करना क्या है, सिंपल सा गदर टू लिख देना है, ठीक है। गदर टू लिख देना है इस प्रकार से। देन उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, तेरे इश्क में, ठीक है। तेरे इश्क, तेरे इश्क, इश्क में, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तेरे इश्क में पढ़ जाते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं गाइस, ठीक है। पढ़ जाते हैं, ये चीज़ आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग ये चीज़ को मिस कर जाते हैं, वीडियो को मिस कर जाते हैं, ये चीज़ को मिस नहीं करते हैं आप लोग, ठीक है, वीडियो को मिस कर जाते हैं, ठीक है। आप गाइस इतना हो गया, देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, शॉर्ट्स लिख देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे ट्रेंडिंग लिख देता हूँ, ठीक है। और ये चीज़ को ध्यान में रखना है। देन उसके बाद यहाँ पे गदर टू सॉन्ग, ठीक है, क्लिप, ये चीज़ ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ को आप नहीं समझोगे आपका कभी भी शॉर्ट्स वायरल नहीं होगा, ठीक है। आप गाइस इतना करने के बाद आप गाइस यहाँ पे सिंपल सा टाइम देख पा रहे होंगे गाइस, 9:48 हो रही है, ठीक है। आप लाइव देख पा रहे होंगे, सारा चीज़ आपके आँख के सामने है, 9:48 हो रही है। और मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ आपके आँख के सामने, देन उसके बाद आपके आँख के सामने से वायरल भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो गाइस उसके लिए मैं सिंपल सा विजिबिलिटी पर क्लिक करता हूँ, देन उसके बाद पब्लिक पर क्लिक करता हूँ। देन उसके बाद पब्लिक पर क्लिक करने के बाद आप गाइस मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। 9:48 पे ये वीडियो पब्लिश हो रही है गाइस, याद रखना आप लोग, ठीक है। देन उसके बाद कितने बजे ये मेरा शॉर्ट्स वायरल होता है वो सारा चीज आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम लग रही है गाइस, तो प्रॉब्लम यहाँ पे होगा, टैग में आपको प्रॉब्लम होगा, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि गाइस हर जगह पे लगाया हुआ है। देन उसके बाद मैं सेव करता हूँ, 9:49 पे ये मेरा वीडियो जो है पब्लिश हो चुकी है, ठीक है। आप गाइस यहाँ पे रिफ्रेश मारोगे, ऐसे आपको यहाँ पे व्यूज नहीं आने वाला है, मुझे पता है और आप सभी को पता है कि गाइस उसके लिए आपको बूस्ट देना ही होगा शॉर्ट्स को वायरल करने के लिए। जब तक आप बूस्ट नहीं दोगे तब तक आपका शॉर्ट्स एक भी वायरल नहीं होगा, ठीक है। आप गाइस मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सिंपल सा इसको क्या करता हूँ कि इसको हम सेंड करते हैं, ठीक है। सेंड करने के बाद देन उसके बाद यहाँ पे पर्सनल डेटा में जाते हैं। देन उसके बाद गाइस इसको क्या करते हैं, बूस्ट मारते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे पिछले वीडियो का भी मैंने बूस्ट मारा था, फिर भी वायरल नहीं हुआ, लेकिन गाइस इस शॉर्ट को मैं यहाँ पे बूस्ट मार के वायरल करके दिखाता हूँ गाइस। 9:49 पे वीडियो पब्लिश हुआ है, याद रखिएगा। गाइस फाइनली लाइव प्रूफ देख पा रहे होंगे गाइस, 45 हो चुके हैं, 46 हो चुके हैं शॉर्ट को अपलोड किए हुए, और लाइव प्रूफ देख पा रहे होंगे गाइस इस पे 4000 व्यूज हुए, वो क्रॉस ऑलरेडी कर चुकी है, पूरा का पूरा लाइव प्रूफ देख पा रहे होंगे गाइस। और हम यहां पे प्रूफ देख पा रहे होंगे गाइस इस पे 4000 व्यूज हुए, ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है गाइस। और हम यहां पे जैसे जैसे रिफ्रेश मार रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो व्यूज है गाइस यहां पे बढ़ते जा रहे हैं, पूरा का पूरा लाइव प्रूफ देख पा रहे होंगे गाइस किस प्रकार से यहां पे जो व्यूज है वो यहां पे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और हम यहां पे जैसे जैसे रिफ्रेश मारे वैसे हमारा बढ़ते जा रहे हैं, लाइव प्रूफ देख पा रहे हैं 4.4K यहां पे व्यूज चल चुकी है, और 4. यहां पे मतलब यानी कि जितना रिफ्रेश मार रहे हैं उतना व्यूज जो है हमारा बढ़ते जा रहे हैं, पूरा का पूरा लाइव प्रूफ देख पा रहे होंगे, सब चीज आपके आंख के सामने है, जितना भी आपको चीज दिख रहा होगा पूरा का पूरा लाइव प्रूफ देख पा रहे होंगे। हम जैसे जैसे यहाँ पे रिफ्रेश मार रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो शॉर्ट्स है वो यहाँ पे वायरल होते जा रही है और व्यूज जो है बढ़ते जा रही है, पूरा का पूरा लाइव देख पा रहे होंगे। तो वही नहीं बल्कि कैसे इस सॉन्ग पे जितना भी शॉर्ट्स कैसे अपलोड हो रही है सभी के सभी वायरल हो रही है, आपको लाइव दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। तो लाइव देख पा रहे होंगे गाइस यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है गाइस, और ओपन करने के बाद यहाँ पे गाइस इस चैनल को हम ओपन
कह लेते हैं ठीक है। ये चैनल एकदम न्यू है गाइस और इस चैनल पे लाइव आपको दिखाता हूँ गाइस, एक भी वीडियो जो है वायरल नहीं हो रही थी। लाइव आपको प्रूफ दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। ये भी वीडियो वायरल नहीं, ये भी वीडियो वायरल नहीं, ये भी वीडियो नहीं वायरल, ये भी वीडियो वायरल नहीं, ये भी वीडियो वायरल नहीं, ये भी वीडियो वायरल नहीं, ये भी वीडियो नहीं, ये भी वीडियो वायरल नहीं हुई थी। और गाइस यहाँ पे लाइव देख पा रहे भाई ने एक वीडियो अपलोड किया, सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो, 14,000 व्यूज हो चुकी है और ये भी वायरल नहीं हुआ है। इस म्यूजिक के कारण ये वायरल हुआ है, लाइव प्रूफ देख पा रहे, सेम टू सेम वही म्यूजिक है, आपको दिख रहा होगा ठीक है। और थोड़ा सा मैं वॉल्यूम भी बढ़ा के दिखा दे रहा हूँ, लाइव प्रूफ देख पा रहे ठीक है। तो इस प्रकार से गाइस वायरल हो रही है और वही आपको और लाइव दिखाता हूँ तब जाके आपको समझ में आएगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा ठीक है। अब गाइस इस चैनल की हम बात कर ले तो ये चैनल को भी हम उठा लेते हैं गाइस, इस चैनल पे भी लाइव देख पा रहे होंगे, एक भी शॉर्ट जो है वायरल नहीं हो रही थी आप आपके सामने देख पा रहे होंगे। लेकिन इस पाला ही शॉर्ट्स अपलोड किया लाइव देख पा रहे होंगे, वायरल हो गया और देन उसके बाद पूरा का पूरा सभी शॉर्ट्स वायरल होना शुरू हो गई इस तरह से ठीक है। तो गाइस इस तरह से करके बहुत ही इजीली से आप भी करके शॉर्ट्स को वायरल कर सकते हैं, जैसे इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे सभी शॉर्ट्स वायरल कैसे हो रही है। तो गाइस इस शॉर्ट्स को वायरल होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ तीन कारण है गाइस, पहला कारण के गाइस ट्रेंडिंग म्यूजिक, और दूसरा कारण गाइस के ट्रेंडिंग हैशटैग, और तीसरा कारण गाइस के यहां पे आपका व्यूज। जी हां गाइस आपने 100% सही सुना, अगर ट्रेंडिंग म्यूजिक ट्रेंडिंग हैशटैग का यूज भी कर लोगे तो आपका शॉर्ट्स वायरल नहीं होगा जब तक आप बूस्ट नहीं मारोगे। तो गाइस लाइव देख पा रहे गाइस इस प्रकार से वायरल किया जा सकता है, मैंने कल ही इंस्टाग्राम के स्टोरी पे लगा के बोला था कि आप इस प्रकार से करो आपका शॉर्ट्स वायरल हो सकता है, और गाइस मैंने लाइव करके दिखा भी दिया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल भी लगी होगी। इसी तरह का फ्यूचर में और YouTube से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू दोस्त।